नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं, 12th क्लास के बोर्ड वाले बच्चे, उनकी पात्रता अपन कैसे बनाएं, उससे रिलेटेड उन पात्रता बना के उस पात्रता का पेमेंट कैसे करें, उससे रिलेटेड अपन सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आ जानेंगे। अपन ने BSER को लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले अपन सीनियर सेकेंडरी इसमें जाएंगे, जाने के बाद में एलिजिबिलिटी लिस्ट डाटा में से अपन डिटेल निकालेंगे। यहाँ पे ये अंशु कुमारी है, इसके अपन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने सामने इतने सारे ऑप्शन स्टार्ट होंगे, शो होंगे। ये ऑप्शन अपने सामने शो होंगे, इनमें से अपन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे पेमेंट कर सकते हैं। तो अपन नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग जो भी अपनी है, जैसे हमारी नेट बैंकिंग कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग है, कैनरा बैंक को अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करेंगे जैसे ही अपन को ये ID पूछेगा कैनरा बैंक की, जो अपनी नेट बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स पूछेगा। तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स मेरी फिल कर देता हूँ। ये मेरी ID आ गई। ID यहाँ पे डाल के मैं लॉगिन करूँगा अपने कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग को। इसमें अपन पूरी डिटेल जानेंगे कि कैसे अपन BSER पे बच्चे की पात्रता का पेमेंट कर सकते हैं, और पात्रता के पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज एरर भी आते हैं, तो वो भी अपन सॉल्व करेंगे यहाँ से। मैं जाके यहाँ अपन सारी डिटेल डाल के प्रोसेस कंफर्म करेंगे। मैंने डिटेल पूरी डाल दी है। यहाँ से ये 1600 रुपये का पेमेंट है, तो यहाँ से मैं नेट बैंकिंग के थ्रू ये पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं प्रोसेस बढ़ रही है वैसे वैसे मैं पूरी डिटेल यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। इनपुट करने के बाद में जो जो डिटेल्स मांग रहा है ऑनलाइन पेमेंट के रिगार्डिंग, वो सारी डिटेल्स मैंने डाल दी हैं। तो इस प्रकार अपन नेट बैंकिंग के थ्रू ये अपना पात्रता का पेमेंट करेंगे। 12th क्लास की बच्चों की जो पात्रता है, 11th क्लास में बच्चे की पात्रता लेनी पड़ती है, फिर 12th क्लास में बच्चे की पात्रता लेनी पड़ती है, वो पात्रता का मैं पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप ये पूरी थोड़ा सा पेमेंट में डिले हो रखा है, पेमेंट मतलब OTP जनरेट नहीं हो रहा था नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो OTP की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। जैसे OTP आती है, मैं OTP डाल के इसको सबमिट करता हूँ। ये OTP सबमिट कर दिए मैंने। ये मैंने OTP डाल के सबमिट कर दिया है। ठीक है, ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट होता है, लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाता है, अपना BSER पोर्टल है वो लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लॉग आउट होते ही अपन को दोबारा से पासवर्ड डाल के अपन को लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही अपन वापस एलिजिबिलिटी में जाएंगे। एलिजिबिलिटी में जाके अपन जैसे ही चेक करेंगे, यहाँ पे जिस बच्चे का अपन ने पेमेंट किया था ऑनलाइन, उस बच्चे की पूरी डिटेल ग्रीन हो रखा है। ये देखिए सबसे नीचे नीचे अपन ने ये पूरी डिटेल है, ये पूरी डिटेल ग्रीन हो रखी है। तो यहाँ पे व्यू रिसिप्ट कर सकते हैं। तो जो अपन ने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट आ गई सारी की सारी। रिसिप्ट के बाद अपन बैक दोबारा से डैशबोर्ड पर जाके एलिजिबिलिटी में जाएंगे। अपन जो पेमेंट अपन ने किया है, एक सेकेंड रुकिए, गलत हो गया। पेमेंट अपन ने किया है, नीचे जाके यहाँ से व्यू अपन इसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए पूरी डिटेल इसमें आ गई, आप इसको पढ़ लीजिए। इस प्रकार से जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा, अपने सामने रिसिप्ट आ जाएगी। तो ये रिसिप्ट इस प्रकार से अपन देख लीजिए, इसमें पूरी डिटेल मेंशन है। इस प्रकार से रिसिप्ट का इसका प्रिंट ले लेंगे। ये देख लीजिए पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी। बच्चे का पात्रता सबमिट होने, पात्रता का पेमेंट होने के बाद में ये रिसिप्ट अपने सामने जमा होगी, और अपन को ये बच्चे की पात्रता अपन को बनानी पड़ती है। कोई बच्चे की पात्रता नहीं बनी होती, उसकी पात्रता बनानी पड़ती है। ये देखिए अपने यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आप पूरे चेकआउट कर लीजिए, प्रिंट करके मैं मेरे प्रिंटर पे इसकी प्रिंट आउट ले लूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।